गर्मियां शुरू होते ही आमरस की बिक्री शुरू हो जाती है और आमरस आपको पूरे भारत में हर जगह बनता हुआ मिल जाएगा। लेकिन जो आमरस की मेकिंग हम आपको आज दिखाने वाले हैं, इतना हाइजीनिकली और इतने बड़े लेवल पर एक साथ आमरस बनते हुए आपको पूरे भारत में शायद ही कहीं देखने को मिले। तो अगर आपको आम जरा मरा सा भी पसंद है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले देखिए, आम के डंठल काटने के बाद उसको साफ पानी में लिया जा रहा है, जहाँ पे उसे बहुत अच्छे से धुला जाएगा कि आम के ऊपर कुछ भी मिट्टी या गंदगी लगी हुई है तो वो सारी हटा दी जाएगी। अब देखिए, बिल्कुल अच्छे से धुला जा चुका है आम, अब इसे बाहर निकाला जा रहा है और जितना भी आम बाहर आ रहा है उसके ऊपर कोई गंदगी नहीं है, प्रॉपर क्लीन है वो। यहाँ से अब ये जाएगा मशीन के अंदर। अब देखिए, बर्फ लिया जा रहा है जिसे ग्राइंड किया जाएगा और बर्फ को भी ग्राइंड करने से पहले धुला जा रहा है, तो सारी चीजें बहुत साफ सफाई से हैंडल की जा रही है। यहाँ पे बर्फ को धुल लिया गया है और धुलने के बाद इसे डाला गया है मशीन के अंदर, जहाँ पे बहुत बारीक पीस दिया जाएगा। तो ये देखिए, इधर से बर्फ को दबाया जा रहा है और नीचे से ये बर्फ अपना पिस के निकल रहा है, बिल्कुल बारीक बारीक पिसकर। ये जो बर्फ का चूरा है, इसे देखिए, पूरा का पूरा जो अपना ड्रम है ये भर चुका है। अब इसको भी लेकर आया जाएगा आमरस बनाने वाली मशीन के पास। बर्फ के बाद देखिए, दूध लाया जा रहा है, तो बर्फ आ चुका है, दूध आ चुका है, आम आ चुका है, अब अपना आमरस बनेगा। तो सबसे पहले जो अपनी आम की पेटी है वो पलट दी गई है मशीन के अंदर, अब उसमें आम फैला दिया गया है। आम फैलाने के बाद अब इसमें बर्फ डाली जा रही है। देखिए, दो बोल भर के बर्फ डाल दी गई है और अब बर्फ को आम के ऊपर अच्छे से फैला दिया गया है। बर्फ फैलाने के बाद अब इसके ऊपर डाला जा रहा है दूध। बर्फ इसलिए डाला गया है क्योंकि आम में खट्टापन होता है, तो दूध उसके साथ मिलकर फट ना जाए, इसलिए बर्फ डालना बहुत जरूरी है इसमें। और आप ये देखिए कि आम अभी छीला नहीं गया है, तो ये जो मशीन है ये आम को बिना छीले ही इसका आमरस बना देती है। गुठलियां और छिलके आम के एक तरफ निकल जाएंगे और आमरस अपना एक तरफ निकल जाएगा। तो ये जितना भी आम है, बर्फ है, दूध है, ये सारा देखिए अब यहाँ से मशीन के अंदर डाल दिया गया है। इस मशीन के अंदर ना केवल आमरस तैयार होगा बल्कि छनकर बाहर आएगा। ये जो आमरस निकलता हुआ आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर तैयार आमरस है जो कि फिल्टर होकर बाहर आया है। और जिस भगोने के अंदर ये आमरस निकल रहा है, इसमें 100 लीटर आमरस आता है। अभी आम का सीजन शुरू भी नहीं हुआ है, आज होली ही है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक दिन के अंदर ऐसे 8 भगोने भर के आमरस बन रहा है और बिक रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कितने दीवाने होंगे इस आमरस के लोग। और ये जो मशीन है, इसकी बहुत हाई कैपेसिटी है। अभी भी आप देखिए, हार्डली कोई 2 मिनट हुई है और ये 100 लीटर वाला भगोना ऑलमोस्ट आधा भर चुका है। और जो आमरस अपना तैयार होकर इस मशीन से निकल रहा है, उसकी आप कंसिस्टेंसी देखिए, उसका आप टेक्सचर देखिए, सारा का सारा बिल्कुल एक जैसा, एक समान रंग का। और इधर अपना देखिए, आमरस निकल रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पे जो आम की गुठली है और आम के छिलके हैं वो सारे बाहर निकल रहे हैं। अभी देखिए, जो अपना भगोना है वो पूरी तरीके से भर चुका है आमरस से। अब आमरस बाहर निकाला जाएगा और जितना एफर्टलेस यहाँ पे आमरस बनाने का तरीका है, उतना ही एफर्टलेसली देखिए आमरस बाहर निकाला जा रहा है। इन्होंने बस ये वॉल्व खोली है और टैप के थ्रू आमरस अपना बाहर आके ये जो प्लास्टिक की कैन है इसमें भरा जा रहा है। ये इस तरीके से आता है कि ये जो बड़े वाला भगोना है, इसकी तली में छेद होता है, जहाँ पे पाइप के थ्रू, मोटर के थ्रू पुश होके यहाँ पे आमरस अपना बाहर आएगा और इस टैप के थ्रू ये प्लास्टिक की कैन के अंदर भर के स्टोर किया जाएगा। ये 20 किलो की एक प्लास्टिक की कैन है। इसी तरीके से जितनी भी कैन आपको यहाँ पे रखी हुई नजर आ रही है, ये सारी कैन के अंदर इसे भरा जाता रहेगा और रखा जाता रहेगा। तो ये देखिए, अपनी जो कैन है अब भरी जा चुकी है, अब यहाँ से जाएगी स्टोरेज के लिए। तो ये वाली कैन हटा दी, अब दूसरी वाली कैन में उधर भरा जाएगा और ये कैन को ढक्कन लगा के सील किया जाएगा। ढक्कन भी देखिए प्रॉपरली साफ किया जा रहा है। उसके बाद अब ये कर दी है बंद, यहाँ से जाएगी कोल्ड स्टोरेज में। ये इनका कोल्ड स्टोरेज एरिया है, जहाँ पर -40 डिग्री टेम्परेचर पर ये जितना भी अपना आमरस तैयार हुआ है उसे स्टोर करके रखा जाएगा और यहाँ से भेजा जाएगा दूसरे शहरों में। और बाकी का जो अपना आमरस तैयार हुआ है उसे इन प्लास्टिक के कैन से डाला जाएगा स्टील के ड्रम्स में, जहाँ से जो शॉप पर रेगुलर कस्टमर विजिट करते हैं उनको सेल किया जाएगा। तो आमरस अपना तैयार हो चुका है, अब लेते हैं इसको और आपको टेस्ट करके बताते हैं। भैया, प्राइस कितना रहता है एक ग्लास का? 50 रुपए। ये केसर आम वाला है। तो गाइस, ये अपना आमरस आ चुका है। मैं उन रेयर लोगों में से हूँ जिन्हें आम पसंद नहीं है, लेकिन ये आमरस बहुत टेस्टी हो रखा है। प्राइस इसका 50 रुपए है, क्योंकि केसर वेराइटी वाला है। जो सादा होता है वो यहाँ पे 30 रुपए का मिलता है, हापुस वाला 40 का मिलता है। बेहद साफ सफाई से बनाया हुआ है, पूरे प्रोसेस में कहीं से कहीं तक कोई गंदगी नहीं है। मशीन पूरी धुली, बर्फ धुला, आम धुले, उसके बाद बना है। टेस्ट लाजवाब, बनाने का तरीका बहुत बढ़िया है। आप आम के सीजन में यहाँ पे आइएगा वडोदरा, 500-600 किलो आम का आमरस आपको डेली बनता हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। और पीने के बाद समझ में आ रहा है क्यों इतना फेमस है, क्योंकि टेस्ट सच में लाजवाब है। 50 रुपए में टोटली वर्थ इट। अगर आप वडोदरा आए और आपको आम पसंद है, यहाँ पे पटेल पॉइंट जरूर आइएगा और यहाँ पे आमरस
जरूर पीजिएगा। मुझे आम ना पसंद होते हुए भी इतना अच्छा लगा है ये, उम्मीद है आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। तो सर अगर कोई बाहर से यहाँ पे आना चाहे, एड्रेस क्या रहता है अपना? आईटीआई गोरवा। आईटीआई गोरवा। और टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 8 से रात को 11 बजे।